दिल्ली में हर साल लाखों लोग पॉल्यूशन की वजह से बीमार हो जाते हैं। पता नहीं कितने हजारों लोग अस्थमा जैसी बीमारी से ग्रस्त हैं। दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए कौन है जिम्मेदार? दिल्ली के पॉल्यूशन का मेन कारण है पंजाब और हरियाणा में जलाई जाने वाली पराली। पर ये किसान तो सालों से पराली जला रहे हैं, तो 7 से 8 सालों में ऐसा क्या हो गया कि पॉल्यूशन इतना बढ़ गया? वीडियो में एंड तक बने रहना, हर बात पता चलेगी कि दिल्ली में इतना पॉल्यूशन कैसे बढ़ रहा है और क्या सरकार पॉल्यूशन को कम करने के लिए कुछ कर रही है। आइए जानते हैं। पॉल्यूशन को AQI से नापा जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 400 के बीच में तो वो बहुत खराब होता है, और अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज्यादा होता है तो वो जानलेवा होता है। पर आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि नोएडा और दिल्ली में 450 से ज्यादा AQI है और कुछ जगह तो ये 500 के पार है। कुछ सालों पहले एक लॉ पास हुआ था, पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सब सॉइल वाटर एक्ट 2009। उसके हिसाब से किसानों को 10 मई से पहले बीज बोना, 16 जून से पहले धान की रोपाई करने पे बैन है। अगर किसी ने इस लॉ को नहीं माना तो उस पे 10,000 रुपए से ज्यादा की पेनल्टी लग सकती है। इस लॉ के पास होने से पहले ये प्रोसीजर थोड़ा पहले हो जाता था, और अक्टूबर नवंबर के टाइम पे विंड की स्पीड बहुत तेज होती है, जिस वजह से जो पॉल्यूशन होता है वो नीचे आके बैठ जाता है और हमें बहुत ज्यादा पॉल्यूशन महसूस होने लगता है। वैसे तो दिल्ली में पॉल्यूशन हर समय रहता है, पर इस समय पराली जलाई जाती है जिस वजह से पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाता है, और विंड की स्पीड तेज होने की वजह से वो पॉल्यूशन बहुत महसूस होता है। दिल्ली में इस साल 38% पॉल्यूशन सिर्फ पराली जलाने की वजह से हुआ है। पर चलो मान लिया इस समय तो पराली जलाई जाती है इसलिए इतना पॉल्यूशन है, पर दिल्ली में तो हर साल इतना पॉल्यूशन होता है ना, वो कैसे? तो इसके बहुत फैक्टर्स हैं, जैसे व्हीकल्स। आजकल हर एक घर में पेट्रोल व्हीकल तो है ही, चाहे वो स्कूटर हो चाहे कार, और घर में जितने लोग उतने व्हीकल और उतना पॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज करना ही हो सकता है, और सरकार धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को मार्केट में ला रही है। पॉल्यूशन का दूसरा सबसे बड़ा कारण है इंडस्ट्रीज। 25% पॉल्यूशन सिर्फ इंडस्ट्रीज की वजह से होता है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन तो ह्यूमन बॉडी के लिए इतना हार्मफुल है कि इसमें सांस लेने से लोगों की मौत होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। थर्ड पॉसिबल रीजन है हमारे घरों का कूड़ा, जितने लोग उतना कूड़ा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हो, ज्यादा नहीं हर महीने एक ट्री लगा सकते हो, और अपना कूड़ा सेपरेट करके रख सकते हो ताकि उसमें से प्लास्टिक रिसाइकिल हो सके। पॉल्यूशन तो बहुत है, पर अपनी हेल्थ का ख्याल तो हमें ही रखना है। आप जब भी घर से बाहर निकले अपने मुंह पे मास्क लगाकर निकले ताकि पॉल्यूशन आपकी नाक में ना घुस पाए, और पॉल्यूशन से उन्हें भी ज्यादा खतरा है जो नमक ज्यादा खाते हैं, और हो सके तो घर से बाहर ही ना निकले। अब जानते हैं कितना हार्मफुल है ये पॉल्यूशन। कोविड के समय बहुत डेथ हुई, इसके बारे में बहुत लोगों ने बात करी, बट पॉल्यूशन एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं, पर इससे डेथ होने की संख्या बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से हर साल 70 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ हो जाती है। इसकी वजह से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, हार्ट डिजीज एंड लंग इन्फेक्शन जैसी बड़ी बीमारी हो सकती है। डीजल व्हीकल और कोयले से चलने वाली चीजों से एक पार्टिकल निकलता है, वो पार्टिकल अगर 10 माइक्रोमीटर डायामीटर से कम होता है तो वो जानलेवा हो सकता है। ये पार्टिकल सांस की नली में घुसकर उसमें जमने लगता है, जिससे आपको बड़ी बड़ी बीमारी हो सकती है और उससे आपकी मौत भी हो सकती है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को जरूर भेजें। तब तक के लिए नमस्कार।